हैसियत मजमू ही बर अजीम पाक व हिंद दौर नबूवत की बरकात से महरूम रहा, फिर यह के दौर खिलाफत राष्ट्र की बरकात से भी महरूम रहा। यहां इस्लाम किसी काबिल जिक्र हैसियत में आया है दौर बनी उबैया में, वो भी किसी दावत व तबलीग के मुस्बत मकसद के लिए नहीं, बल्कि एक इंतकाम और बदले के लिए कि कुछ मुसलमान ताजरों का एक बहरी काफिला जो सरंदीप से लंका से जा रहा था अरब की तरफ, उसे यहां कराची के करीब, उसे यहां के सिंधी डाकुओं ने लूट लिया। उस पर मतालबा आया इस्लामी मुसलमान हुकूमत की तरफ से, वो मलूकियत थी, अब वो इस्लामी हुकूमत उस मानी में नहीं रही थी जिस मानी में कि खिलाफत राशदा इस्लामी हुकूमत थी, कि जो कैदी है तुम्हारे पास रिहा करो और कंपनसेट करो जो भी नुकसान यहां इन मुसलमान ताजरों का हुआ है। जब इसके जवाब में बिल्कुल मनफी रद्द अमल मौसूर हुआ तो फिर चढ़ाई का फैसला किया गया, गोया कि यह एक सजा देने की एक मुहिम थी। बहरहाल उस वक्त जो इस्लाम यहां आया था उसके कैरेक्टर्स उस इस्लाम से कुछ मुख्तलिफ थे जो बाद में यहां आया। वो इस्लाम जो मोहम्मद इब्ने कासिम की सरकर्दगी में सिंध में आया और सिंध से आगे बढ़कर मुल्तान, बल्कि मौजूदा पाकिस्तान के तकरीबन पूरे निसफ इलाके तक पहुंच गया था, फुट हिल्स ऑफ कश्मीर तक, तो यह इस्लाम खालिस अरबी इस्लाम था। मलुकियत तो आ गई थी लेकिन बदवियत और अरबियत जो है उसकी छाप इस पर अभी गहरी थी, और उस इस्लाम में ना अभी फिरके थे, ना मसलक थे, ना अनफी, ना मालिकी, ना शाफी, ना हम्बली, ना अकाइद के बारे में बहसें शुरू हुई थी, इल्म कलाम की बहसें हुई थी, ना अभी यूनानी फलसफे और मंतिक का हमला हुआ था, अभी कुछ नहीं था। सादा इस्लाम, इस्लाम अपनी असल सादगी पर बरकरार था, चुनाचे उसकी कुव्वत तस्खीर बड़ी जबरदस्त साबित हुई, और खास तौर पर मोहम्मद इब्न कासिम जो नौजवान 17-18 बरस का नौजवान और निहायत नेक और पाक बाज, सिंध के हिंदुओं ने जो अपनी एक रिवायत है कि इस तरह का आदमी तो कोई अवतार ही हो सकता है, फारसी में भी कहा जाता है कि दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबर इस्त, जवानी के इस उम्र में भी कोई शख्स पाक जिंदगी गुजार रहा हो तो यह तो पैगंबरों का तरीका है, और हिंदुस्तान में तसव्वुर पैगंबरों का नहीं था, अवतारों का था, तो उसे भी एक अवतार समझकर उसकी मूर्तियां तराश कर मंदिरों में रख ली गई और उनको पूजा जाने लगा। यही चीज उसके लिए खतरे का सबब बन गई, क्योंकि अब बैक होम इस्लाम का जो असल घर था अरब, उसमें मलूकियत आ चुकी थी, और मलूकियत कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई और शख्स इतना पॉपुलर हो जाए कि उसे चैलेंज कर सके। लिहाजा मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया गया और शहीद कर दिया गया। अब उसके बाद जाहिर बात है कि वो इस्लाम रिसीड करना शुरू हुआ, वापस आना शुरू हुआ, उसके कुछ असरात उस इलाके में रह गए, लेकिन इस्लाम की वापसी हो गई। यह इस्लाम का पहला वरूद था बर्रे अजीम की सरजमीन पर। उसके बाद इस्लाम आया है 300 बरस बाद, और अब यह आया है शिमाल मगरबी सरहदी सूबे में जो दरे हैं कोहे सुलेमान में, कोहे हिंदू कुश और कोहे सुलेमान में, दराए खैबर है, दराए टोची है, दराए गोमल है, दराए बोलान है, यहां से आना शुरू। इस इस्लाम की खसूसियात कुछ और थी। इन 300 सालों में फिकही मसालिक भी पैदा हो चुके थे, हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, उनके दरमियान इख्तलाफात भी थे, बहसें भी थी, मुनाजरे भी थे। दूसरे एक खास जो है तसव्वुफ का फन जो है वो बहुत तरक्की कर चुका था,
اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے، اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلامان کہلاتا ہے۔ ترک غلام تھے یہ، جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کے بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔ عالم اسلام میں اس وقت دو عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے۔ ممالیک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے، خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام تھے۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تثلیث پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی، خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی تین شاخوں میں بٹ گئی۔ سیاسی قیادت، وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد جو اس دینی قیادت تھی وہ دو حصوں میں منقسم ہو گئی، علمی قیادت، علماء، مفسرین، فقہا، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت۔ تو یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد۔ اب اس کے 500 برس کے بعد یہاں ایک اور ایلیمنٹ آیا، اور وہ تھا شیعیت کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1000 عیسوی میں پاکستان کا جو علاقہ اس وقت کا ہے یہ عالم اسلام میں داخل ہو چکا تھا، شہاب الدین غوری وغیرہ کی حکومت وہاں تک تو تھی، البتہ دہلی پر 1206 میں، تخت دہلی جو ہے مسلمانوں کا 1206 میں شروع ہوا ہے۔ بہرحال اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ 300 برس بعد یہاں پر یہ شیعیت آئی ہے، داخل ہوئی ہے، ورنہ اس سے پہلے خالص سنی اسلام تھا اور خالص حنفی۔ شیعیت کی وجہ سے جو کچھ بھی بعد میں اسلام کو یہاں پر اس تقسیم کی وجہ سے، شیعہ سنی اختلافات کی وجہ سے جو بہت بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، ان میں سے مثلا دو کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر امبیدکر، انہوں نے فیصلہ کیا تھا میں مسلمان ہو جاؤں، گویا کہ یہاں کے اچھوتوں کا مسئلہ وہ اس طور سے حل کرنا چاہتے تھے کہ ہم ان بلاک مسلمان ہو جائیں، لیکن جب ان کے بارے میں معلوم ہوا تو پھر وہاں پہنچ گئے کچھ لوگ کہ آپ اس مسئلہ کو اختیار کریں یا اس کو کریں، وہ اسی حیث بحث میں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں کوئی بھی نہیں اختیار کرتا، اگر کوئی ایک اسلام ہے ہی نہیں، اب میں ایک کو اختیار کرتا ہوں تو دوسرے سے میری مخاصمت ہو جائے گی، دوسرے کو اختیار کرتا ہوں تو پہلے سے ہو جائے گی۔ اب اگلا دور آیا، ہندوستان میں انگریز آ گئے۔ یہاں موجود بہت سے غیر مسلموں کو شاید میری باتیں اب کچھ ناگوار گزریں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو تلخ ہیں لیکن حقائق ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ انگریزوں نے یہاں آ کر حکومت چھینی سی مسلمانوں سے بیشتر، ویسے تو یہ کہ ہندو راجے مہاراجہ بھی تھے لیکن بیشتر علاقوں میں تو مسلمان حاکم تھے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو دبانا بہت ضروری سمجھا، اس لیے کہ جو سابق حاکم ہو ان میں ایسپیریشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں کہ ہم تھے یہاں کے حاکم، کیوں نہ واپس حاصل کریں، بغاوت کے ان کے اندر جراثیم مسلسل پروان چڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کو دبایا اور ہندوؤں کو اٹھایا، کیوں کہ ہندوؤں کے لیے معاملہ صرف چینج آف ماسٹرز کا تھا، کوئی بڑا حادثہ تو نہیں تھا، پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب انگریزوں کے غلام ہو گئے۔
और इस एतबार से अंग्रेज ने भी उन्हें करीब किया और हिंदुओं ने भी मगरबी उलूम और मगरबी साइंसेस को पढ़ने में बड़ी सबकत की। बंगाल में अंग्रेज आया और बंगाल में आपको मालूम है अक्सर और बेशतर जो साइंसदान पैदा हुए जिनकी के लिखी हुई टेक्स्ट बुक्स जो है बहुत अरसे तक इस्तेमाल होती रही हिंदुस्तान में, ये कौन थे? चैटर्जी, बैनर्जी, सबके सब बंगाली थे। एक और बात यह है कि हिंदू अपने माजी से बहुत दूर आ चुके थे, उनका माजी अजमत वाला, आखिर अशोक का दौर बहुत अजमत का, चंद्रगुप्त मौर्य का दौर बहुत अजमत का, विक्रमाजीत का दौर बहुत अजमत का था, लेकिन वो अब बहुत पीछे जा चुके थे। तकरीबन मुसलमानों की आमद की वजह से 1000 साल का फसल वाक़ हो चुका था। लिहाजा तहजीब व तमद्दुन के लिए भी, जैसे कि उन्होंने मुसलमानों के जमाने में फारसी पढ़ी, फारसी पढ़ते थे, कोड लैंग्वेज फारसी है, जैसे कि फिर बाद में मुसलमान और हिंदू और सबने अंग्रेजी पढ़ी, मुलाजमतें मिलेंगे तो अंग्रेजी पढ़ने वालों को मिलेंगी, रास्ता कैरियर्स का खुलेगा तो अंग्रेजी पढ़ने वालों का खुलेगा। इसीलिए कहावत थी हिंदुस्तान में, पढ़े फारसी और बेचे तेल, देखो रे किस्मत के खेल। अब फारसी पढ़ के तो उसे कहीं हुकूमत के अंदर अहलकार होना चाहिए, उसकी हैसियत कुछ और होनी चाहिए, फारसी पढ़ के और तेल बेचना। जबकि मुसलमानों का मामला यह था कि उनकी तो अभी तहजीब और तमद्दुन, उनकी रिवायात अभी ताजा थी। लिहाजा जो गैर मुस्लिम थे यहां के, उन्होंने अंग्रेजी उलूम, अंग्रेजी साइंस, अंग्रेजी तहजीब, उसको खुले दिल के साथ खुशामदेद कहा और मुसलमानों में एक जबरदस्त डिवीजन हो गया। बल्कि इब्तदाई रिएक्शन तो बहुत सख्त था, एक तरफा था, हम ना अंग्रेजी पढ़ेंगे, हम ना अंग्रेजी उलूम सीखेंगे, ना साइंस पढ़ेंगे, हम तो अपने कोनों खदरों में, अगरचे जो सैलाब आ गया है उसको रोकने की ताकत तो हम में नहीं है, लेकिन हम कोनों में जाकर बैठ जाएंगे, काल अल्लाह काल रसूल। और अंग्रेजी तहजीब से इस कदर दूरी कि अगर कोई बेस कुर्सी पर बैठकर खाना खा ले तो क्रिस्टान हो गया, ये तो किसी ने चमचा इस्तेमाल कर लिया खाने में, कांटा तो बहुत दूर की बात है, चमचा भी इस्तेमाल कर लिया तो क्रिस्टान हो गया। तो इस दर्जे रिएक्शन था उलमा के ज़ेर असर हलकों में, गोया के वो जो गांधी जी का फलसफा था नॉन कोऑपरेशन, तो मुसलमानों ने अंग्रेजों के साथ शदीद किस्म का नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शुरू किया। इस पर सर सैयद अहमद खान ने इन दोनों चीजों की मुखालफत की। एक तो उन्होंने अंग्रेजों को बताया कि देखो ये जो आजादी की जंग थी ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी, 1857 की, ये तो मुश्तरक थी, तो इसके अंदर क्या सबब हुआ है, इसकी वजह से आप मुसलमानों से बोध महसूस न करें। और मुसलमानों से भी कहा भाई अंग्रेजी पढ़ो, अंग्रेजी उलूम हासिल करो, साइंस पढ़ो, साइंटिफिक नॉलेज हासिल करो, वरना तुम्हारी हैसियत हिंदुस्तान में क्या रह जाएगी, पल्लेदार रह जाओगे या गोश्त फरोश रह जाओगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रहेगी। तो इस एतबार से सर सैयद अहमद खां एक अहम लैंडमार्क। इसके अलावा अंग्रेजी दौर का एक और जो पहलू बहुत अहम है, अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान मुराफरत को हवा दी। ये उनकी पॉलिसी रही मुस्तकिल, ये एक कौम की हैसियत से सामने ना आ जाए फिर जाहिर बात है कि हमारे पांव तो उखड़ जाएंगे यहां से। तो ये जो हमारे यहां शुरू हुआ है, कुछ और फैक्टर भी थे, हिंदुओं में एक इंतकामी जज्बा भी था कि मुसलमानों ने हम पर हुकूमत की है 800 बरस 1000 बरस, और जाहिर बात है सारे हाकिम अच्छे तो नहीं थे, कोई कोई अच्छा भी था तो अक्सर और बेशतर तो अय्याश किस्म के लोग थे। हमने महल बनाए, ताजमहल बनाए, हमने कोई काम और तो किया नहीं, दीन की तबलीग तो औलिया अल्लाह ने किया, सूफिया ने की, कभी भी सरकारी सतह पर, हुकूमत की सतह पर यहां तबलीग इस्लाम का एहतमाम नहीं हुआ। एक दो एक्सेप्शंस हैं, एक राजा गुजरात काठियावाड़ के इलाके का जिसने के तबलीग का एहतमाम किया, एक राजा कश्मीर का था जिसने तबलीग का एहतमाम किया, बाकी हुक्मरानों ने कोई कोशिश नहीं।
आजादी से कबल मुत्तसिलन जो कैफियत पैदा हो गई थी उसका एक अहम फैक्टर यह था कि मुसलमानों में हिंदुओं का एक खौफ पैदा हो गया, क्योंकि जो निजाम अब बन चुका था वो तो यह था कि वोट की बुनियाद पर फैसले होंगे, वन मैन वन वोट। उसके एतबार से मुसलमान अकलियत में और गैर मुस्लिम हिंदू यहां अक्सरियत में, तो गोया कि हमेशा के लिए अगर एक मुल्क की हैसियत से यह मुल्क जो है तकसीम आजादी हासिल करता है तो मुसलमान गुलाम हो जाए, उनकी तहजीब भी खत्म कर दी जाएगी, शुद्धि की तहरीक शुरू हो चुकी थी, उनका मजहब भी तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। मेवात के इलाके में बड़ी जबरदस्त तहरीक उठाई गई थी शुद्धि की, जिसका तोड़ करने के लिए मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह सामने आए और तबलीगी जमात का उन्होंने सिलसिला शुरू किया। यह असल में मेवात के अंदर जो शुद्धि की तहरीक थी उसका जवाब था, उससे हिफाजत मुसलमानों की। तो अंदेशा यह था कि हिंदू एक्सप्लॉयट करेगा, हमारी तहजीब को ख़त्म करेगा, हमारी जबान को ख़त्म करेगा, माशी तौर पर हमें एक्सप्लॉयट करेगा, मफलूज करेगा और अपनी सी कोशिश करेगा कि हमारा मजहब भी तब्दील करा दे। मुसलमानों की एक कौमी जमात, अगरचे वो शुरू में कौमी उसको कहना गलत था, वो नवाबों जागीरदारों नवाबजादों उनकी जमात थी मुस्लिम लीग, जो 1906 में कायम हुई। मुसलमान आवाम का उससे साथ कोई ना राबता था ना उनका कोई राबता आवाम के साथ। उसकी जो 1906 से लेकर 1924 तक की जिद्दोजहद है वो सारी दिफाई जिद्दोजहद थी, हमारे ये हकूक होने चाहिए, हमें इसकी एश्योरेंस दी जानी चाहिए, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए और ये कि इससे भी आगे बढ़कर हमें मरकज में कुछ ज़्यादा हैसियत दी जाए ताकि हमारी भी कोई हैसियत हो, कोई तवाजुन पैदा हो सके। बस इसी पर सारी गुफ्तगू गुफ्तगू शरीर थी। और इसके ज़िमन में मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो तो प्रॉफिट ऑफ लव करार दिए गए थे, इत्तेहाद का पैगाम्बर, वो 1906 में थे, इंडिया में मौजूद मुस्लिम लीग में शामिल नहीं हुए थे, कांग्रेस के रुकन थे। उसके बाद 1913 में जाकर मुस्लिम लीग में शामिल हुए हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर, फिर भी कांग्रेस के रुकन भी रहे, मुस्लिम लीग के रुकन भी रहे। और उन्होंने हद तक इम्कान कोशिश की कि कोई फॉर्मूला ऐसा बन जाए जिस पे के इत्तेहाद हो जाए और जमानत मिल जाए कि मुसलमानों के साथ कोई उस किस्म का सलूक नहीं किया जाएगा कि वो बिल्कुल यूं समझिए कि नीचे लग कर रह जाएं और उनकी कोई हैसियत न रहे। लेकिन वो नाकाम हुए, शिद्दत के साथ नाकाम हुए और फिर इस दर्जे मायूस हुए कि हिंदुस्तान छोड़कर जाकर इंग्लिस्तान में बस गए और वहां उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी। एस एम इकराम साहब जो एक बड़े मुसन्निफ हैं, आबे कौसर मौजे कौसर रौदे कौसर के जो मुसन्निफ हैं, वो अहम तरीन किताबें हैं तीन मुस्लिम इंडिया की, पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल हिस्ट्री, सकाफती जो मामला है वो भी साथ साथ हर दौर में क्या उसका रंग रहा है इसको बहुत ही समझिए एक बड़े माहिराना अंदाज में उन्होंने बहुत उम्दगी के साथ मुरतब किया है। वो उस वक्त ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, तालिब इल्म थे, नौजवान, वो मिले मोहम्मद अली जिन्ना से। उस वक्त तक अभी वो कायदे आजम का तो खिताब उन्हें नहीं मिला था, मोहम्मद अली जिन्ना, और उनसे कहा आप हिंदुस्तान छोड़ के क्यों आ गए, हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो आपकी जरूरत है। तो उन्होंने सख्त अल्फाज कहे थे कि हिंदू नाकाबिल इस्लाह है, ये उस वक्त की हिंदू क़यादत पर उनका तबसरा था। और मुसलमानों का हाल यह है कि उनका कोई लीडर मुझसे सुबह जो बात करता है शाम तक डिप्टी कमिश्नर या गवर्नर तक पहुंचा देता है, तो ऐसी कौम की क़यादत मैं कैसे करूं। लेकिन असल में एक टर्निंग फैक्टर आया है, टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग मूवमेंट, एंड दैट वॉज 1930। उसमें जो अलाहाबाद में मुस्लिम लीग का सेशन हुआ था उसमें खुतबा सदारत दिया था अल्लामा इकबाल ने। अल्लामा इकबाल उससे पहले हिंदुस्तान में एक सूर फूंक चुके थे कि अब इस्लाम की नशत सानिया का दौर आने वाला है, इस्लाम जो है दोबारा दुनिया के अंदर बरसरे उरूज आएगा। एक उम्मीद अफसा सूरत हाल अल्लामा इकबाल ने अपनी मिल्ली शायरी से पैदा कर दी थी, किताबे मिल्लत बैजा की फिर शिराजा बंदी है,
یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگوبر پیدا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, عدالت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نوا پیرا ہو اے بلبل کے ہو تیرے ترنم سے, کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا. اور ویسٹ اور ویسٹرن سویلائزیشن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا, دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یہاں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد جو عالم اسلام کی کیفیت ہوئی تھی اس پر کس قدر یاس انگیز نا امیدی سے بھرا ہوا مرثیہ مولانا حالی نے لکھا تھا. قوم کی زبان اس وقت وہ تھے قومی شاعر جو ہے قوم کی زبان ہوتا ہے. بستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے, اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے, مانے نہ کبھی مد ہے ہر جزر کے بعد, دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اور آخر میں جو مناجات بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. اسی قسم کے مرثیے علامہ شبلی نے کہے, مولانا حمید الدین فراہی نے کہے, لیکن اقبال پہلا شاعر ہے جس نے کچھ مرثیے بھی کہے ہیں. جب انگلینڈ جاتے ہوئے وہ گزر رہے تھے سسلی, جزیرہ سسلی کے پاس سے جہاز گزر رہا تھا تو دل میں ہوک اٹھی ہے, کبھی یہ مسلمان جہاز رانوں کا مرکز ہوتا تھا, بیس ہوتا تھا. رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خونابہ بار, وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تھا یہاں ہنگامہ ان سیرا نشینوں کا کبھی, بہر بازی گاہ تھا جن کے سفینوں کا کبھی. کہا ہے مرثیہ بھی, کہا اقبال کے ہاں مرثیہ ہے, لیکن ساتھ ہی ایک امید افزا پیغام کہ اب دوبارہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے, وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. یہ جو عوامی ایک فضا ان کی شاعری سے پیدا ہو چکی تھی, ملی شاعری سے, انہوں نے 1930 میں آ کر مسلم لیگ کی موومنٹ میں اس کا انجیکشن لگا دیا. اسی طرح چلتی ہوئی ایک تحریک تھی 1906 سے آئی تھی, 24 برس ہو چکے تھے 1930 تک, اب اس میں ایک انجیکشن لگا دیا گیا احیاء اسلام. اس خطبے میں علامہ نے ایک طرف مسلم قومیت کو بہت مستحکم کیا دلائل کے ساتھ, عمرانی دلائل, پولیٹیکل سائنس کے جو مستحکم اصول ہیں ان کی بنیاد پر کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے, اور نمبر دو انہوں نے کہا, اور یہ ایک پروفیسی تھی ایک طرح کی, مستقبل کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی, تجویز نہیں تھی. پارٹیشن آف انڈیا کی تجویز تو بہت بعد میں آئی ہے 1940 میں, یہ 1930 کی بات میں کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا مجھے یقین ہے کہ یہ ڈیسٹنی ہے, تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں, شمال مشرق کا انہیں اس وقت احساس نہیں ہوا تھا, ایسٹ پاکستان کا جو اب بنگلہ دیش ہے ادھر ان کی نگاہ نہیں گئی تھی, ہندوستان کے شمال مغرب کے اندر ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی, اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں, جس کے لیے لفظ بڑا ثقیل استعمال کیا انہوں نے, عرب امپیریلزم, یہ بنو امیہ بنو عباس یہ عرب امپیریلسٹ تھے, یہ عرب قوم کیا امپیریلزم تھا, ان کی حکومت اسلام کی عکاسی کرنے والی نہیں تھی, اسلام کی عکاسی کرنے والی تو خلافت راشدہ تھی, ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو دور ملوکیت میں یا دور عرب امپیریلزم میں جو داغ دھبے آ گئے ہیں اسلام کے چہرے پر, انہیں صاف کر کے اور صحیح اسلام کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں. یہ انجیکشن ہے پوزیٹیو مقصد کا. اس وقت تک, اس سے پہلے تک تحریک صرف ایک منفی جذبے پر چل رہی تھی, ہندو کا خوف, ہندو اکثریت کا خوف, ایکسپلوائٹیشن کا اندیشہ, لیکن اب اسے ایک مثبت بنیاد مل گئی. 1932 میں قائد اعظم گئے انگلستان لندن گول میز کانفرنس میں, جناح صاحب اس میں شریک نہیں تھے اس لیے کہ وہ تو ویسے سیاست کا میدان چھوڑ چکے تھے,
उस मौके पर फिर अल्लामा इकबाल ने मुलाकातें की हैं जिन्हा साहब से और वही इंजेक्शन उनको भी लगाया और उन्हें फिर आमादा किया कि आए वापस हिंदुस्तान। और इस इंजेक्शन के हवाले से मुसलमानों ने हिंद को मुनज़्ज़म करें और जमा करें। तो ये फिर तहरीक पाकिस्तान जो है चूंकि मुसलमानों के जज्बात के साथ उसकी हम आहंगी, मौजज़ा हो गया कि मुस्लिम माइनॉरिटी के प्रोविंसेस ने किस तरीके से यकजा और यकसू होकर उस मूवमेंट को सपोर्ट किया। हालांकि उन्हें मालूम है कि किसी भी हिसाब से उनके तो पाकिस्तान में शामिल होने का कोई इम्कान था ही नहीं, बल्कि तहरीक मुस्लिमी का असल में माइनॉरिटी प्रोविंस की तहरीक थी। जो सूबे बाद में पाकिस्तान में शामिल हुए हैं उनमें सरहद में तो कांग्रेस की हुकूमत थी टिल दी लास्ट डेट, पंजाब में यूनियनिस्ट हुकूमत थी टिल दी लास्ट डेट, सिर्फ एक सिंध था मगरबी पाकिस्तान में कि जो वहां मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। हाँ, बंगाल में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी और बंगाल ही मौलद है जहां विलादत हुई है 1906 में मुस्लिम लीग की और तवील तरीन अरसे तक मुस्लिम लीग की हुकूमत वहां रही। अब भी वहां पर तहरीकें चलती रहती हैं एंटी पाकिस्तान। दो मरतबा पाकिस्तान ने एयरफोर्स भी इस्तेमाल की है वहां पर, यह सब कुछ आपको मालूम है। बहरहाल इसके नतीजे में मुल्क तकसीम हुआ।